भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके शरीर के इस भाग पर तिल होता है। जी हाँ, अति विशेष होते हैं ये लोग। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तिल में भविष्य के कई सारे संकेत छुपे होते हैं। कई बार जन्म के साथ और कई बार जन्म के बाद शरीर पर तिल उभर कर आते हैं, लेकिन ये यूं ही नहीं उभर कर आते हैं, बल्कि ये आपके लिए कुछ संकेत लेकर आते हैं। माना जाता है कि ये तिल आपके भाग्य को बदल सकते हैं। यही नहीं, ये आपके कई सारे रहस्यों को भी उजागर कर देते हैं। लेकिन ये तिल शरीर के किस हिस्से पर है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति। क्या आप जानते हैं कि शरीर के इस अंग पर अगर तिल हो तो जातक को बहुत भाग्यवान माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो व्यक्ति के राइट साइड के गाल पर अगर तिल है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जातक के भाग्यशाली होने का सूचक है। इसका साफ मतलब है कि आपको भविष्य में धन की कमी नहीं होने वाली है। आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जबकि गाल के लेफ्ट साइड पर तिल होने का साफ मतलब है कि आप बहुत ही खर्चीले होंगे। अगर जातक के माथे पर तिल है तो ये भी अत्यंत शुभ संकेत है। माथे के राइट साइड पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक अपनी मेहनत से हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इनके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती है, लेकिन धन घटता बढ़ता रहता है। ये जातक परिवार की जरूरतों के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। जबकि जिन जातकों के माथे पर लेफ्ट साइड में तिल होता है, उन्हें जीवन भर संकटों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन अगर आपके राइट साइड के हाथ की हथेली पर तिल है तो ये साफ संकेत है कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यही नहीं, आप चाहे व्यापार में हो या फिर नौकरी में, आपको हमेशा उन्नति ही मिलेगी। भाग्यशाली तो ये जातक भी कम नहीं। माना जाता है कि जिन जातकों के सीने के मध्य भाग में तिल होता है वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातकों का जीवन बहुत ही सुखमयी बीतता है। धन का अभाव भी इन्हें नहीं रहता है और साथ ही ये अपने कुटुंबियों में अलग से जाने जाते हैं। राइट साइड की भुजा पर तिल वाले जातक भी समाज में काफी मान सम्मान पाते हैं। शुरुआत में अवश्य इन्हें चीजों की प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन आगे का इनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। दोस्तों, आप बुद्धिमान हैं या नहीं ये जानने के लिए आपको अपने अंगूठे को देखना चाहिए। अंगूठे पर तिल होना शुभ माना जाता है। वहीं अगर अंगूठे और मध्यम उंगली के बीच की तर्जनी उंगली में तिल है तो साफ मतलब होता है कि आप बहुत ही होशियार हैं। आपके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि आपको अपने आसपास के लोगों से हमेशा सावधान रहना है। और अगर आपके ओठ के ठीक ऊपर दाहिने की ओर तिल है, आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर ओठ के बाईं ओर तिल है तो आप बहुत ही कामुक हैं, और इसी कामुकता की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दोनों भौहों के ठीक बीच में तिल होता है, ऐसे जातक बहुत शार्प माइंड वाले होते हैं और जिंदगी में एक न एक दिन जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन जिन जातकों की सीधी आंख पर तिल होता है, ऐसे जातक प्यार के मामले में बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन एक बात है जो इन जातकों को खास बनाती है, वो ये है कि ऐसे जातक दूसरों की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। साथ ही हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।